हमारे लिए शांति और पुण्य होंगे। भगवान से आपका जितना पाप है वो थोड़ा कम होते, सजा कम दिया जाएंगे आपका। ओके ओके, तो लामा जी बोल रहे जी, ये जो व्हील है साइड के जो देख रहे कौशिक घुमा रहे, ये व्हील आप घुमाने से आपको पाप बहुत कम किया जाता है। तो उसके लिए हमें दिया जलाया जाए, मर जाने से उसका आत्मा को शांति मिले। अच्छा, आत्मा के शांति लिए इसके अंदर दिया जलाया जाता है। तो गुड मॉर्निंग, और कल रात हम यहाँ पर कुछ इस तरीके की जगह पे हमने कैंपिंग किए थे, क्योंकि बाहर आपको बोल रहे थे कि वहाँ पर हमने उस जगह पे हमने पहले कैंपिंग करने के लिए फैसला लिए थे, बट यहाँ पे एक भाई थे, भाई ने हमें परमिशन दी कि ये इस थोड़ा शेड है उसके नीचे आप कर दो, बट रात को बहुत ज़्यादा ठंड था। और सुबह सुबह एक लामा जी, उनसे हमें आके बहुत सारे बातें किए, बहुत अच्छा लगा। वो बोल रहे थे कि आपके ऊपर कितना गर्मी है, हमारे ऊपर मतलब गर्मी मतलब आपको आग निकलेगा इतना गर्मी है। बिलीव नहीं करेगी कि आपको इतना गर्मी, और यहाँ पे लोग हफ्ते में कितने बार नहाते हैं यहाँ पे लोग? तो मैं एक बार ही नहाता हूँ, एक बार ही नहाते हैं, हमारे पर एक दिन में दो दिन बार नहाते हैं, इतना गर्मी है। तो बाकी दोस्तों यही है, थोड़ा फ्रेश होते हैं उसके बाद एक्सप्लोर करते हैं। तो वैसे फ्रेश हो के सुबह चाय पी के अभी हम जा रहे हैं ऊपर की तरफ मॉन्स्ट्री को देखने। चलिए चलते हैं। और ये जो पाइन ट्रीज है, क्या कितना प्यारा लग रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो आ चुके हम ऊपर, और ऊपर आते ही सबसे पहले ये इस साइड जितने से देख रहे हो, ये जो जितने से घर है ये मॉन्क के लिए होता है। एक्चुअली मॉन्क यहाँ पर रहते हैं, ऊपर जो भी बच्चे देख सकते हैं मॉन्क है, स्टूडेंट है, वो लोग यहाँ पर सीखते हैं बुद्धा जी का, जितने सारे उनका पुस्तक है सारा चीज़ें वो लोग सीखते हैं यहाँ पर। तो अभी चलते ऊपर। तो ये है वो मॉनेस्ट्री, वहाँ पर हम जाएंगे। सबसे पहले इस साइड से थोड़ा देख लेते हैं, और हमारे साथ और एक लामा जी है सुबह से जिनसे बात करते हैं, हेल्ता से दिले। तो चलते इस साइड, और यहाँ पे बहुत बड़े बड़े व्हील है। तो आप अभी हम जान लेते कि ये जो व्हील है सामने जो देख रहे हो इसका सिग्निफिकेंट क्या है, इसको क्यों घुमाते हैं, इसका घूमने से क्या होता है, सारा चीज़ें जान लेते हैं ये हम। और दोस्तों ये है यहाँ के मॉन्क, यहाँ के लामा जी। लामा जी प्लीज़ बता सकते हैं जो व्हील है इसका घुमाने से क्या होता है, क्यों घुमाते हैं ये? घुमाने से हमारे लिए शांति और पुण्य होंगे। ये घुमाने से आपका जितना पाप है वो थोड़ा कम होते, सजा कम दिया जाएंगे आपका। ओके ओके, तो लामा जी बोल रहे जी ये जो व्हील है साइड के जो देख रहे कौशिक घुमा रहे, ये व्हील आप घुमाने से आपको पाप बहुत कम किया जाता है। और आप बोल रहे थे कुछ मंत्र पढ़ना पड़ता है जी। अच्छा, तो मंत्र तो हमें नहीं आता, जैसे कि आपको सीखना चाहते तो मैं सिखा दूंगा। ओके ओके, इजी है थोड़े, आप बता सकते कि क्या वो मंत्र होता है? ओम ओम माँ माँ ने ने पे ते पे पे ओम माँ ने पे मैं हूँ हूँ जी यही ओम माँ ने पे मैं हूँ ओम माँ ने पे मैं हूँ। अब याद रखिए, कभी भी अगर इसको आप घुमा रहे हो तो ये मंत्र पढ़ेंगे तो आपको जो पाप है वो कम होता है। और इसको कैसे मतलब किसी साइड में घुमा सकते हैं आप? एंटी क्लॉक वाइज, क्लॉक वाइज। ओके, अगर मान के चलो कोई गलती से एंटी क्लॉक वाइज घुमा रहे तब तो फिर आप लोग बताएंगे ये ऐसे क्लॉक वाइज घुमाना है। अच्छा, एंटी क्लॉक वाइज घुमाने से अच्छा होता है? नहीं नहीं, उसमें मतलब पाप कम नहीं होता। नहीं, चलो ऐसे दिले। तो दोस्तों ये सिग्निफिकेंट, ये व्हील के पीछे आप इसको क्लॉक वाइज घुमाना है, उसमें क्या होता है आपका माना जाता है। और जो मंत्र लामा जी ने बोले वो मंत्र पढ़ेंगे तो उसको क्या होता है पाप कम होता है, और मंत्र पढ़ना पड़ता है। जैसे कि सबको नहीं पता इसलिए मैंने लामा जी से मैंने रिक्वेस्ट किया, उन्होंने बोले तो यही है, थोड़ा हम भी पाप कम कर लेते, बहुत पाप किए। तो दोस्तों हम फाइनली पहुँच चुके उसी मॉन्स्ट्री के सामने, और इस मॉनेस्ट्री का नाम है अपर गुम्पा, और ये बॉम्बडीले का सबसे बड़ा और सबसे हाइट में ये गुम्पा है, ये सॉरी ये मॉनेस्ट्री है। ये रहा सामने, सामने से बहुत ही और बहुत ही कलरफुल वाइब्रेंट लग रहा है। और यहाँ पे आपको पढ़ाई क्या जाता है लामा जी? जी हमारे यहाँ पर बुद्धिस्ट के पढ़ाई जाते हैं। अच्छा, बुद्धिस्ट के बारे में, रिलीजियस के बारे में, मंत्र भी पढ़ाया जाता है आपको? ओके, और कुछ अलग अलग हिंदी इंग्लिश इसमें पढ़ाया जाता है? इंग्लिश हिंदी पढ़ाया जाते हैं। ओके, ये वो सब लैंग्वेजेस है राइट? जी जी, बाकी आप मोस्टली बुद्धिज्म का सब रिलीज के बारे में पढ़ाए थे। अभी अंदर चलते, अंदर जाके क्या क्या चीज़ें सीखने बैठा सारा हमारा लामा जी है, तो उनसे हम वो सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे आपको एक्सप्लेन करते जाएंगे। आज संडे तो मोस्टली आज फ्री है सब लोग, लामा जी सब फ्री है आज ना राइट? जी जी। अच्छा अच्छा अच्छा,
तो जितने सारे यहाँ पर मॉन्क्स देख सकते अपने कपड़े वगैरह धो रहे क्योंकि आज फ्री है ये लोग। तो चलते हैं अंदर। चलिए यहाँ पर सारा जगह जितने सारे जगह है यहाँ पर मॉन्क लोग बैठते हैं। आप लोग यहाँ पर बैठ के पूजा पाठ करते हैं। अच्छा अच्छा बढ़िया, बहुत ही प्यारा है। ओके, तो अभी हम आ चुके हैं बाहर मॉन्स्टर के बाहर की तरफ। और ये सामने ये क्या है? स्कूल। अच्छा, आपका स्कूल यहाँ पर होता है? हर दिन आपका क्लास होता है? जी। संडे छुट्टी होता है आपका? संडे सैटरडे, सैटरडे शनिवार को पढ़ाई होता है। अच्छा, तो ये रहा यहाँ पे स्कूल। जितने सारे मॉन्ग से यहाँ पर अपना ज्ञान अर्जन करते हैं, जितने सारे गुरुज यहाँ पर पढ़ाते हैं, राइट। और ये वाला क्या है जी? हमें जब हम कहीं मर जाते तो उसके हमें दिया जलाया जाए, मर जाने से उसका आत्मा को शांति मिले इसका अंदर। अच्छा, आत्मा के शांति के लिए इसके अंदर दिया जलाया जाता है, ये जो इसके रूम पर, राइट, ये वाले रूम पर। तो अभी हम आ चुके मॉनेस्ट्री के सामने। सामने यहाँ पर फ्लैग लगाया गया, ये फ्लैग कुछ अलग कलर का है। आइए आप जानते हैं इस कलर के बारे में। बहुत सारे अलग अलग कलर है, उस कलर के बारे में थोड़ा जानते हैं। आप प्लीज़ बताएंगे कि जो अलग अलग कलर है उस कलर का मतलब क्या होता है? जी, ये हमारे ये ब्लू के ब्लू बनाना जो है, ब्लू कलर, जी जी जी, वो जो हमारे दूसरे को अच्छा या खराब ना होने के लिए। अच्छा, ब्लू ब्लू कलर जो होता है दूसरों को नीचा नहीं दिखाना। अच्छा, ये पीला जो है हम जैसे भगवान बुद्ध की तरह जी जी बने। अच्छा, पीला कलर, पीला कलर जो है शांति के लिए, शांति के प्रतीक पीला कलर, जी जी। ये सफेद जो है जो दूसरे को खराब ना करने के लिए, नुकसान नहीं पहुंचे। सफेद जो होता है वो नुकसान मत कीजिए, उसका प्रतीक है, किसी को नुकसान मत करो। ऑरेंज कलर जी, ऑरेंज जो है जो हमारे दूसरे को कभी खुशी मिले ना तो आप खुद को दूसरे को बांटने हैं। अच्छा, खुशी बांटना है। अच्छा अच्छा, ऑरेंज कलर का मतलब होता है अपने खुशियों को बांटना। आज जो जितने सारे चीज़ें मैंने जाना लामा जी से, ये सारा चीज़ें मेरे लिए नया था। हमें पता था मॉन्स्टर बहुत वाइब्रेंट होते हैं, कलरफुल होते हैं, बट उसका जो कलर के पीछे भी कुछ सिग्निफिकेंट है, वो सारी चीज़ें आज हमने जाने लामा जी से। लामा जी, बहुत 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 शुक्रिया। तासी दिले दोस्तों, तासी दिले का मतलब होता है नमस्कार। और थैंक यू क्या बोलते हैं आप? थुदीचे। थुदीचे। और थैंक यू को बोला जाता है थुदीचे। बाय बाय, टेक केयर। तो भाई हम निकल पड़े नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। और लास्ट नाइट हमें बहुत ज़्यादा भाई ने हेल्प किए थे। भाई आपका नाम है, प्लीज़ बताएंगे? सत्यजीत मदई। सत्यजीत भाई आसाम से है। सो थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। तो दोस्तों, हम आ चुके उसी हिचाइकिंग पॉइंट पे। कुछ इस तरीके की जगह से हम हिचाइकिंग आज करेंगे। एक गाड़ी आ रहा है, कोशिश करते हैं। दे दो भाई। नहीं, चले गए। एक गाड़ी एक रुका, हमारे बहुत टाइम बाद, एक घंटे बाद अराउंड, हमें पीछे बैठ जाएंगे हम, कोई बात नहीं। चलो, थैंक यू सो मच। चलो, मिल गया भाई, फाइनली मैं लिफ्ट कर चुका है। पहुंच गए भाई हम जहां तक वहाँ था। थैंक यू सो मच। हम एक्चुअली यूट्यूब में वीडियोस बनाते हैं। थैंक यू सो मच। हम लोग उड़ीसा से हैं। हाँ जी, हाँ जी, हम ऐसे लिफ्ट में आके पूरा अरुणाचल घूमेंगे एक महीने। थैंक यू फॉर द लिफ्ट। थैंक यू सो मच। तो बाकी दोस्तों, सर लोग इस साइड चले गए, हमें जाना है। वो जो बाइक जा रहा है उस साइड से हमें जाना है। पर हिचाइक कर रहे थे, पीछे आप देख सकते हो, ये रहा ये जगह है। इस जगह पर हम हिचाइक कर रहे थे तो हमें यहाँ पर दिखा मिथुन, ये देख सकते पीछे दो मिथुन है ऊपर पहाड़ के ऊपर। लोग सिर्फ इसको देखने के लिए आते हैं, मिथुन देखने के लिए।
हम शायद हमें लकी है इस जगह के जो भाई ने हमें यहाँ पर देखे, हमें यहाँ पर ड्रॉप किए। तो दोस्तों फाइनली हम पहुँच चुके हैं दिरांग वैली, बट हमारे दिरांग में हमारा स्वागत हुआ है बहुत ज़्यादा बारिश के साथ। छाता लेके हम चल रहे हैं। एक्चुअली हम एक मार्केट पे जा रहे हैं। हमने ऑलरेडी एक जगह कैंपिंग कर दी है, वहाँ पर हम आपको जरूर से दिखाएंगे। अभी हम फिलहाल जा रहे हैं एक मार्केट में कुछ सामान खरीदने के लिए, क्योंकि आज हम कुकिंग करने वाले हैं। जी हाँ, अभी टमाटर ले लें, टमाटो और आलू और हरा मिर्ची दोनों ले लें। हाँ तो सारा चीज़ आप ये कर दें। प्याज कितना? प्याज 50 होगा पर केजी। और हमें अदरक बहुत बढ़िया। तो हम आ चुके हैं हमारे कैंपिंग एरिया में, और यहाँ पर हमने आज पहला दिन अरुणाचल ट्रिप का हम कुकिंग कर रहे हैं। सनी भाई प्याज काटते हुए, हमारे पंजाबी सरदार जी। आज क्या बनाएंगे आप? आज जी बनेगा पंजाबी पुलाव। पंजाबी पुलाव और वेज पुलाव बनाएंगे आज। अच्छा, और मसाले वाला सब कुछ हम मार्केट से लेके आए। ये हमारा कैंप, ये मेरा वाला कैंप, और उस साइड में सनी भाई वाला कैंप। मेरे को तो डर नहीं लग रहा है, पुलाव बोल कर कुछ भी खिला दे, उल्टा जला पला देगा, पुलाव दे देगा और कुछ बन जाएगा। नहीं बिरे, मैं कहना तुझे देखते रहो, मेरा स्टाइल है। और ऑलमोस्ट हो चुका है बाकी खाना, हो चुका है खाना, बहुत ही टेस्टी था। और बाहर हो रहा है बहुत तगड़ा बारिश, ठंड भी बहुत तेज है। और हम जहाँ पर आज कैंपिंग किए, सामने का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है। बस यही आशा करता हूँ, होप करता हूँ कि कल सुबह बारिश ना हो। अगर बारिश होते तो मतलब इन्हों सब बेकार हो जाता है, कहीं भी आप घूम नहीं सकते सही से। तो बस यही है। तो अभी बहुत तेज़ नींद आ रहा है, मिलते हैं कल सुबह। तो के लिए बाय एंड टेक केयर, गुड नाइट।